हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देश में तेल रिफाइनरी परिक्रम, ठीक है, कि देश में दोस्तों कितनी रिफाइनरी है इसके बारे में आज हम पता करेंगे, और उन रिफाइनरी को किस तरीके से याद किया जाए एक ट्रिक के माध्यम से, वो भी मैं आपको आज यहाँ पे करा के देने वाला हूँ। तो दोस्तों, पूरा वीडियो तक अंत तक बने रहिए और पूरा सीख के जाइए दोस्तों, कि आप यहाँ से कम मैंने 10 बनाए हुए दोस्तों, 10 में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी रिफाइनरी पूछ देता है तो हमको आता नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 10 के 10 बताऊंगा और बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे आपको फटाफट याद हो जाएगा, जैसे वीडियो खत्म होगा आपको पूरा ट्रिक याद हो जाएगा। तो देश की तेल रिफाइनरी मतलब वो दोस्तों जहाँ पे तेल को रिफाइन किया जाता है, जैसे पेट्रोल होगा, पेट्रोल निकलता है तो उसके अंदर अलग अलग जो तेल होते हैं, रॉक ऑयल, पेट्रोल, डीजल, सबको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, उसी को बोलते हैं तेल रिफाइनरी। तो वो देश में कहाँ कहाँ पे है और उनको किस नाम से जाना जाता है वो आज हम देखेंगे। पूरे देश का तो नहीं, पूरे कंट्री का तो नहीं है दोस्तों, सॉरी पूरे स्टेट का तो नहीं बनाया हुआ है, 2-3 स्टेट छूट गया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अगर मुझे एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं वो भी बना के दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है गुजरात। तो दोस्तों, गुजरात में क्या है, कोयली, तारंबे, जामनगर, वडीनाथ, ठीक है दोस्तों। तो ये चार इंपॉर्टेंट है, जो कि ये चार कहाँ पे है रिफाइनरी, गुजरात में। गुजरात में दोस्तों ज्यादा है, यहाँ पे भी चार है, यहाँ पे दो है, आंध्र प्रदेश में दो है, पंजाब में दो है, बिहार में के बाकी जगह एक है। तो आइए दोस्तों इन चारों को याद करते हैं लाइन से। तो देखिए दोस्तों, गुजरात से मैंने आपको याद कराया है गुजारा रात। तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि कोहली रात गुजार रहा था कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में। कोहली जानते हो सब लोग, कोहली को तो सब लोग जानते हो, तो कोहली कहाँ रात गुजार रहा था, गुजरात में। तो आप उनसे मिलने गए क्योंकि आप भी गुजरात में रहते हो, तो आपको लगा कि गुजरात में आया है तो जाके उनसे मिल लेते हैं क्योंकि बहुत बड़े क्रिकेटर हैं वो, तो आप गए उनसे मिलने के लिए। तो उसने आपको, हाँ, तो आप मिलने गए तो आपने तारंबे, ठीक है, तारंबे, राम अंबे, राम और अंबे का नारा लगा रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो आप कोहली से जब मिलने गए तो आप क्या नारा लगा रहे थे, अंबे, ठीक है, राम अंबे, राम अंबे, तारंबे, तो राम अंबे। तो आप कोहली से मिलने क्यों गए, क्योंकि कोहली कहाँ आया था, रात गुजारने के गुजरात आया था। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना, आपको एक एक बात सुनना है ध्यान से। तो कहाँ आया था गुजरात में रात गुजारने, कोहली, और उसके बाद वो आप क्या कर रहे थे, राम और अंबे का नारा लगा के उसके साथ उसके पास मिलने जा रहे थे। फिर जैसे ही आपने उससे मिला कोहली से, उसने बोला कि एक काम कर, तू अभी अंबे का नारा लगा रहा था ना, चल अब मेरे लिए काम कर। उसने आपको क्या काम दिया, उसने बोला कि जा जामनगर, गुजरात में जहाँ जामनगर है वहां पे जा और मेरे लिए एक बीड़ी और नारी ले गया। बीड़ी और नारी, बीड़ी मतलब बीड़ी पीने वाला दोस्तों, और नारी मतलब एक औरत, ठीक है। उसने बोला कि जा मेरे लिए बीड़ी और नारी ले गया क्योंकि रात का बंदोबस्त मुझे चाहिए, ठीक है। तो गुजरात में कोयली, तारंबे, जामनगर और वडीनगर। तो कोहली के पास आप मिलने क्यों गए, क्योंकि आपने तारंबे, सॉरी कोहली रात गुजार रहा था गुजरात में, फिर आप क्या अंबे और राम का नारा लगा था, राम अंबे, फिर कोहली ने आपको काम दिया जा जामनगर में और मेरे लिए क्या ले गया, बीड़ी नार, मतलब एक बीड़ी और नारी ले गया। अगला दोस्तों असम। आप ऐसा असम से शाम इमेजिन करिए, शाम, ठीक है, शाम को आप क्या कर रहे थे, डिग बोई। आप दोस्तों आप क्या कर रहे हो, डिग बोई, डिग बोई से दोस्तों डिग मतलब जैसे कि आप एक डिब्बे में, ठीक है, डिब्बे में कुछ बो रहे हो। आपने घर पे क्या किया, शाम को इमेजिन करिए, शाम को आप डब्बे में कुछ बोया, गेहूं बो दिया, चावल बो दिया, और उसको बोने के बाद आप उसका नुमाली कर रहे हो, नुमाली मतलब रखवाली भी समझ सकते हो, ठीक है। तो आप उसका क्या कर रहे हो, शाम को आपने डब्बे में बोया कुछ और उसका बहुत देर से रखवाली कर रहे हो, ऐसे इमेजिन करिए कि आप कर रहे हो, तो ही दोस्तों याद होगा, बहुत इजी ट्रिक बन पाएगी। तो आप इमेजिन करिए कि आप उसका क्या कर रहे हो, रखवाली कर रहे हो, तो रखवाली से माली, ठीक है, माली, नुमाली या नुमाली कर रहे थे, ठीक है। तो नुमाली कर रहे थे आप उसका, और फिर आपकी बुआ आती है, आपकी बुआ आती है, क्योंकि बुआ को आपको वो डब्बा चाहिए था, तो बुआ ने आपको क्या किया, बुआ ने टी पिलाया आपको, क्या पिलाया, टी, बुआ टी, बुआ हटी, बुआ आई, बुआ आप सब लोग समझते हो, रिश्तेदार में हमारे लगते हैं, तो बुआ आई आपको टी पिला रही है, टी मतलब चाय। तो आपको जैसे टी पिलाया आपकी बरौनी निकल गई, ये जो बरौनी होती है आंख के ऊपर इसको बरौनी बोलते हैं दोस्तों, और ये बरौनी आंख से निकल गई, मतलब चाय पीते ही ये पूरा झड़ गया और आप बहुत तकलीफ में हो गए क्योंकि आपको उसका दवा नहीं पता था कि वापस कैसे आएगा। तो आपके बुआ से रिक्वेस्ट करने लगे, तो बुआ ने आपको बोला कि मुझे ये जो डिब्बे में तूने बोया है वो मुझे दे दे, मैं तुझे बता दूंगी दवा कि तेरा बरौनी कैसे आएगा, ठीक है दोस्तों। तो शाम को क्या किया आपने, डिब्बोई, डब्बे में कुछ बोया, नुमालीकरण किया, नुमालीकरण से, ठीक है, रखवाली किया, रखवाली से नुमालीकरण, और फिर बुआ, बुआ आई आपको टी पिलाई और आपका बरौनी झड़ गया। फिर बरौनी का दवा वापस से लेने के लिए आपने बुआ से बोला कि मुझे ठीक करो, फिर आपने ये डिब्बोई का क्या किया, डब्बा दे दिया, ठीक है, ऐसा इमेजिन करिए। अगला दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्या है दोस्तों, कोलकाता और हल्दिया। तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे और अचानक कॉल कट गया,
कॉल क्या हो गया, कट गया और आप गुस्से में गए, गुस्से में गए अब आप अपने फ्रेंड को भी ले सकते हो, किसको भी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपने अपने फ्रेंड पे गया और जोर से गाल पे मारा, क्या किया, गाल पे जोर से मारा, बंगाल गाल, ठीक है अब याद आया, गाल बंगाल से गाल, आपने उसको क्या किया, गाल पे मारा और बोला कॉल कट कैसे गया, कॉल कट, कॉल मतलब काटा, कोलकाता, तो उसने बोला कॉल कटा कैसे, कोलकाता बोलते ना कोलकाता, तो कॉल कटा कैसे, तो उसने बोला अबे मैं हल्दी लगा रहा था, क्या लगा रहा था, हाथ में सब जगह मुंह पे हल्दी लगा रहा था, हल्दी लगाते लगाते कॉल कट गया, ठीक है। तो आपने गाल पे किसको मारा, अपने दोस्त को, बंगाल, गाल पे मारा क्यों, क्योंकि कॉल कट गया था, कॉल कट का मतलब कोलकाता और हल्दिया, ठीक है। तो कोलकाता में दो, पश्चिम बंगाल में दो बंदर, दो रिफाइनरी है, पहला है कोलकाता और दूसरा है हल्दिया में स्टैब्लिश है, ठीक है। अगला है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो एक अंधा आदमी विशाखा नाम की लड़की से पटना गया था मिलने, क्या गया था, एक अंधा आदमी विशाखा नाम की लड़की से पटना, विशाखापट्टनम, तो विशाखा नाम की लड़की से कहां गया था, पटना मिलने गया था, ठीक है दोस्तों। तो विशाखा नाम की लड़की से जब वो पटना मिलने गया, फिर ऐसे इमेजिन करिए उसकी गर्लफ्रेंड है विशाखा और वो कहां गया था मिलने, पटना। अब जब इतने साल के बाद अपने बॉयफ्रेंड को उसने देखा तो उसने क्या बोला कि आजा आज हम खाना बनाते हैं, तो उसने बोला नहीं आज हम खाना घर पे नहीं बनाएंगे, तट पर पकाएंगे, कहाँ पकाएंगे, तट पर। उसने बोला चल आज खाना पकाते हैं, तो उसने बोला आज खाना घर पे नहीं पकाएंगे, कहाँ पकाएंगे, तट पर पका, ठीक है, तट पर पका, तो ताटी पका, ठीक है, ताटी पका और विशाखापट्टनम। अगला दिया दोस्तों पंजाब। आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपका भतीजा बहुत दिन के बाद आपके यहाँ आया था, ठीक है, और वो जाके पंजाब पे लड़ाई कर लिया, ठीक है, सॉरी पंजाब में नहीं, वो कहां गया, पानीपत में लड़ाई किया। तो आपका जो भतीजा था वो कहां लड़ा, पानीपत में लड़ा। अब आगे देखिए, तो आप बहुत गुस्से में आए क्योंकि आपका भतीजा बहुत मार खाया था, तो आपका भतीजा आपके पास आ दौड़ते, तो बोला भैया मैं बहुत मार खाया, आप मुझे, आप बचाओ उनसे और आप उनको मारो। तो आपने ऐसा पंजा किया क्योंकि आपका पंजा क्या था, बहुत स्ट्रांग था, आपका पंजा क्या था, बहुत ही स्ट्रांग था। तो आपने पंजे से मुक्की बनाया और पंजा कहां गया, आप कहां गए, पानीपत में गए, क्यों, क्योंकि पानीपत में ही आपका भतीजा मार खाया था। तो आप गए पानीपत, पंजाब के पानीपत में, और कहां गए, जहां भतीजा लड़ा था, भट्टी नड़ा, ठीक है, भट्टी नड़ा, तो भतीजा लड़ा, जहां भतीजा लड़ा वहीं पे आप गए उन लोगों को मारने के लिए जिसने आपके भतीजे को मारा था, क्या लेके गए, पंजाब, अपना पंजा बहुत स्ट्रांग था, कहां पे गए, पानीपत में, क्यों वहां गए, क्योंकि आपका भतीजा वहीं पे लड़ा था, तो भट्टी लड़ा, ठीक है, भट्टी या भट्टी लड़ा, ठीक है। अगला है बिहार। तो बिहार के लोग दोस्तों क्यों हार जाते हैं हमेशा, क्योंकि उनके आंख के ऊपर बरौनी होती है, जस्ट कॉमन सेंस है दोस्तों, हंसने को बहुत आता है इसलिए तो ये याद होते हैं। तो बिहार के लोग क्यों हार जाते हैं, क्योंकि आंख के ऊपर उनको क्या होती है, बरौनी होती है, बरौनी तो हमको भी, तो हम क्यों हार नहीं जाते, बट ये सिर्फ याद करने का ट्रिक है, ऐसा रियलिटी से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो आप क्यों हार गए, क्योंकि आपके आंख, बिहार के लोग क्यों हार जाते हैं, क्योंकि उनके आंख के ऊपर क्या होती है, बरौनी होती है। केरल, आप ऐसा इमेजिन करिए कि कोच, आप क्रिकेट खेलते हैं और आपका जो कोच है वो कहाँ रहता है, केरल में, क्योंकि वो करेला खाता है। आपका ऐसा इमेजिन करिए कि आप क्रिकेट खेलते हैं बट आपका कोच हमेशा करेला खाता है, क्या खाता है, करेला, आपका कोच क्या खाता है, हमेशा करेला खाता है, लेकिन वो रहता कहाँ है, केरल, किस लिए रहता है केरल में, क्योंकि वो क्या खाता है, करेला, तो केरल से करेला मैंने बताया था। तो आप क्रिकेट खेलते हैं बट आपका जो कोच है वो क्या खाता है, करेला, और करेला खाता है इसलिए कहाँ रहता है, केरल में रहता है, तो कोच से कोची, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा इमेजिन करके याद करना है। तमिलनाडु से मैंने बताया था मिलना। तो दोस्तों आप जब मिलते हो अपने दोस्त से, आप कहीं कोई कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, दोस्त हो गया, अपनी गर्लफ्रेंड होगी, तो आप जब भी मिलते हो आप अपने दोस्त को या अपने गर्लफ्रेंड को क्या करते हो, मना लेते हो, मनाली, ठीक है, चेन्नई के बाजू में ही है इसलिए चेन्नई भी लिखा हुआ है, और क्या करते हो, मना लेते हो, क्यों मना लेते हो, क्योंकि आप उसको चना लेके जाते हो देने के लिए, उसको चना बहुत पसंद रहता है और आप जब भी उसको चना देते हो हमेशा मान जाती है, ठीक है। तो आप मिलने जाते हो चना लेके और उसको मना लेते हो, ठीक है, मिलने जाते हो चना लेके जाते हो चेन्नई और मना लेते हो मनाली। मध्य प्रदेश बिना, ऐसा इमेजिन करिए मध्य प्रदेश के बिना आपका चैन नहीं लगता, मध्य प्रदेश के बिना आपका क्या नहीं लगता, चैन नहीं मिलता। आगे उड़ीसा, पारादीप, उड़ीसा, आप डिश हमेशा ऐसी जगह बनाते हो जहां पराया द्वीप होते हैं, पराया द्वीप मतलब अपना द्वीप नहीं होता, जैसे अंडमान निकोबार हो गया अपना द्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप अपना द्वीप है, बट आप हमेशा डिश उड़ीसा डिश वहीं बनाते हो, उड़ीसा से मैंने डिश बताया था, उड़ीसा डिश वहीं बनाते हो जहां पे दोस्तों पराया द्वीप होता है, मतलब ना इंडिया का होता है ना अपने स्टेट का ना किसी कंट्री का, ठीक है, दूसरे कंट्री का होता है, मतलब अफ्रीका अमेरिका, पराया द्वीप पे आप क्या करते हो, हमेशा डिश बनाते हो, ठीक है दोस्तों। तो उड़ीसा से पारादीप,
तो ये हो गए दोस्तों टोटल 10 देश की रिफाइनरी मैंने आपको बता दिया, आपको याद हो चुका रहेगा, बहुत इजी तरीका था। एक दो बार वीडियो और देखेंगे और इनको लिख लेंगे तो आपको फटाफट ये याद हो जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आसानी से इसको याद कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों ये हो गए रिफाइनरी, इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक नए वे के साथ। और अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, और अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन दबा दो, और प्लीज वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंचे ये और बहुत सारे लोग इसका आनंद उठा पाए, इस जीके ट्रिक को बहुत ही आसानी तरीके से याद कर पाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।